आज हम जा रहे हैं वन डिश पार्टी पे जो कि है यूनिवर्सिटी में, तो चलें चलते हैं। मज़े की बात आपको बताऊं कि ज़ारा को मैं सोते से उठा के लाई थी और आँख खुलते ही जब उसने कैमरा देखा तो इसके एक्सप्रेशंस देखने वाले थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आँख खोलते ही स्माइल दे रही है और उसके बाद जब उसकी आँखों के अंदर धूप लग रही है तो अपना फेस कवर कर लेती है। और अब्दुल्ला साहब तो इतने एक्साइटेड हैं कि वो बैठते ही नहीं है, पूरा रास्ता खड़ा होके गए हैं। तो बहरहाल हम यूनिवर्सिटी में एंटर हो रहे हैं और ये जो आप रेड रूफ्स वाले ये बिल्डिंग्स देख रहे हैं ये सब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स हैं। ऑनेस्टली मैं अपने व्लॉग्स बना के और ख़ुद देख के भी बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय कर रही हूँ और आप लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा रिग्रेट भी होता है कि इतनी हैपनिंग लाइफ में मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया और किसी किसी इवेंट की तो मेरे पास पिक्चर्स भी नहीं हैं। लेकिन अब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और बहुत सारी मेमोरीज ऐसी होती हैं जिनको मैं चेरिश कर रही होती हूँ, तो ख़ुद को भी बहुत अच्छा लगता है। खैर, हम पार्टी पे आ चुके हैं और हमारा खाना भी डिश आउट हो चुका है। तो खाने में है जनाब चिकन रोस्ट जो कि ओवन रोस्टेड चिकन है वेजिटेबल्स के साथ, और साथ में है मीट बॉल ग्रेवी और साथ में है नान। मैंने बनाया था काबुली पुलाव और उसकी रेसिपी मैंने अपनी एक काबुल की फ्रेंड से ली है। इस टाइम पे एक ट्रेजेडी हो गई थी कि मैंने इंडक्शन स्टोव पे पहली बार गर्म किया था तो मुझे डर था कि जल ना जाए, तो मैंने ना खूब ज़्यादा मिक्स किया था और राइस थोड़े से टूट गए थे। दिल तो करता है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी सी वीडियो रिकॉर्ड करूं, लेकिन खाने के टाइम जो है वो वीडियो रिकॉर्ड करना अच्छा नहीं लगता। खैर, यहाँ पे हमारा खाना ख़त्म हो चुका है और हम जल्दी जल्दी से वाइंड अप कर रहे हैं और डिज़र्ट आ चुकी है। डिज़र्ट में है बिस्किट पुडिंग और साथ में है ज़बरदस्त सी खोए वाली खीर। तो अब आप देख सकेंगे मैं जल्दी जल्दी से डिज़र्ट को डिश आउट करी हूँ। ये बिस्किट पुडिंग के अंदर जो लेयर्स थी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी और मुंह में मेल्ट हो रही थी, और आपके साथ ज़रूर इंशाल्लाह रेसिपी शेयर करूँगी। और डिज़र्ट के बाद सबने बहुत ज़्यादा फ़न किया, किड्स यहाँ पे क्राफ्ट बना रहे थे अपने और इन्होंने बहुत ज़्यादा तरह की डिफरेंट डिफरेंट सी क्राफ्ट्स बनाई और खूब सारा कचरा फैलाया। और उसके बाद सारा का सारा कचरा जो है ख़ुद एफिशिएंटली जल्दी जल्दी से ठीक किया, जो कि अगेन उनके लिए एक इंजॉयबल एक्टिविटी का एक पार्ट था और साथ साथ हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होता है और किड्स के लिए भी। तो खैर, आप इनकी तेज़ी देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक जो भी इन्होंने क्लटर किया हुआ है ये सब सेट कर रहे हैं। और अब इनका भी रिलैक्सिंग टाइम है जनाब, ये लोग मूवी देख रहे हैं और साथ में अपनी गप्पे लगा रहे हैं। अच्छा, हमने स्कैरी मूवी देखी थी और इसी वजह से इनको हमने अलग से मूवी लगा के दी थी और ये अलग से एक्टिविटीज़ कर रहे थे, क्योंकि छोटे बच्चे जो अक्सर डर जाते हैं और उनके जहन पर अच्छा इफ़ेक्ट नहीं होता इन स्कैरी मूवीज़ का। और ये नेक्स्ट क्लिप है जी हमारी मूवी का, तो स्कैरी थी, बहुत मज़ा आया, कभी साथ मिल के देखिएगा, ये एक्सपीरियंस करिएगा। और कहते हैं कि अच्छा वक्त जो है पलक झपकते ही गुजर जाता है, तो उस तरह जनाब हमारी पार्टी का भी तकरीबन एंड हुआ जाता है। अब व्लॉग को एंड करते हैं लास्ट क्लिप्स के साथ। तो ये मोमेंट था हमारा बहुत ही रिलैक्सेशन, पीस, थोड़ा थोड़ा हम भी डल फील कर रहे थे और किड्स भी बस अब रिलैक्स कर रहे थे, एक्टिविटीज़ भी कर ली, सफाई भी कर ली, मूवी भी देख ली। और अब जनाब रात हो चुकी है और टाइम है व्लॉग को एंड करने का। तो अगर आपको व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक किए बगैर नहीं जाइएगा। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त और फिर आऊँगी इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ। Bushra signing off from Malicious Recipes. Allah Hafiz.